एक जो स्वयं को महानतम योद्धा में गिनता है, दूसरा जो माया में स्वयं को मेघनाद से भी उत्तम मानता है, और तीसरा जो अपनी शक्ति की तुलना कुंभकर्ण से करता है। तीनों सुबाहु पुत्र अकस्मात एक रघुवंशी योद्धा से इतने भयभीत क्यों हो गए, जो उन्हें मिलकर मुझ एकाकी से भिड़ने आना पड़ा। रघुवंशी बालक, आए तो तुम हो इस क्रोंच व्यूह में। ये छोटा सा आकार और इतनी लंबी जीवा लेकर, और तुम्हें तुम्हारी इस उद्दंडता का दंड अवश्य मिलेगा। पुष्कल को घेर लिया इन दुष्टों ने। सुनो सुबाहु, पुष्कल को क्षति पहुंचाने का दुस्साहस मत करना। चिंता मत कीजिए शत्रुघ्न काका, ये सब तो मेरा बाल भी बाका नहीं कर सकते। बालक तुम उठाओ उठाओ, हम भी तो देखें कितना बल है तुम में। उठाओ। पुष्कल इतनी सरलता से पराजय स्वीकार कर ले, असंभव। तुम्हारे साथ इस क्रीड़ा में आनंद आ रहा है बालक। इधर इधर आओ बालक, देखते हैं क्या कर सकते हो तुम। गिरा दो इसे, पराजय स्वीकार करने पर बाध्य कर दो इसे, साहस तोड़ दो इसका। हनुमान, मुश्किल की सहायता कीजिए।
ईश्वर, पुत्र हनुमान को इतनी शक्ति दीजिए कि वो सबकी रक्षा कर सके। और जो भविष्य की घटना तुमने देखी थी वो सत्य होने वाली है। इस बालक की मृत्यु इसी युद्ध भूमि में होगी। पुष्कल, पुष्कल, अब रघुकुल का सम्मान तुम्हारे हाथों। अभी भी साहस शेष है तुम्हें? किस मिट्टी के बने हो तुम? अयोध्या की मिट्टी से बना हूँ मैं, जिसके कण कण में रामचरण रज मिली है। हमारे चरणों की रज चटाओ इसे। शत्रु चार खड़े चहुरा, घेरे पुष्कल वीर किशोरा। पवन तनय से कही रघुराई, दीजे सहाय जा विपदा आई। देखी जब पुष्कल निसहाय, संरक्षण तब कप की प्रदाय। जाकी रक्षा हनुमत ठानी, ताको पहुँचाए को हानि। ये गाथा बाबली हनुमत की, पुष्कल लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 बाबली हनुमान। मेरी भूल थी, मैं हनुमान जी की शक्ति को कभी समझ ही नहीं सका। उनकी बात कभी ध्यान से सुनी ही नहीं। रुक जाओ पुष्कल, ये तो क्रोंच व्यू है। क्रोंच व्यू की ओर तुम मत बढ़ो। एकाकी ही मुझे, मेरे पुत्रों और मेरी सेना को कैसे ध्वस्त कर दिया इस वानर ने। तो ये सुबाहु पुत्र पुनः उठ रहे हैं। अब इन्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकेगा।
अपने क्रोध को शांत करो पुष्कल। हनुमान जी के समान पूर्ण रूप से एकाग्र होकर क्रोध को त्याग कर अपने विवेक का प्रयोग कर शत्रु का अंत करने पर ध्यान देना चाहिए। परंतु वो दुष्ट चित्रांग गया कहाँ? ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। ये अश्व नहीं रहा तो पराजय स्वतः हो जाएगी। श्राप देता हूं जिसके परिणाम स्वरूप तुम और तुम्हारा ये राज्य विनाश की ओर अग्रसर होगा। महाराज सुबाहु, ये तो मात्र आपके विनाश का प्रारंभ है। यदि अपनी और अपने इन पुत्रों की सुरक्षा के इच्छुक हैं तो अभी भी आप आत्मसमर्पण कर दीजिए। प्रभु श्री राम के प्रभुत्व को आप स्वीकार कीजिए। आत्मसमर्पण तो तुम सब करोगे अपनी मृत्यु के समक्ष। आज इस बालक ने मेरे पुत्र का नहीं अपने जीवन की संभावना का अंत किया है। अभी शेष नहीं है मेरे पास। पुष्कल वार नहीं कर सकता, परंतु मैं सुबाहु का वार अपने ऊपर लेकर पुष्कल की रक्षा करूंगा।
जानता हूं महाराज सुबाहु, अभी भी समय है। नहीं, इस बालक के जीवन में और समय शेष नहीं है। एक अस्त्रहीन बालक पर अपने अस्त्रों का वार करने वाले, तुम्हें जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं। बली हनुमत की रुचिकर लीला राम भगत की, जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। रज कपि चरण महिमा भारी, सम्मोहन से नृप को बारी, सुबाहु मन ही मन पाई, दर्शन अवध पति रघुराई, देह पे तेज व मुख पे आभा, राम नारायण साक्षाता, राम राज सुबाहु स्वीकारे, रघुकुल ध्वज की शरण में आए। गाथा महाबली हनुमत की रुचिकर लीला राम भगत की, जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। हमें क्षमा करें हनुमान, पता नहीं किसके कुप्रभाव में मैं इतने पाप कर बैठा, पता ही नहीं चला कब भक्त से शत्रु बन बैठा। अपने योग्य और गुणी पुत्रों को पाप के पथ पर चला बैठा और अपने प्रिय पुत्र चित्रांग को खो बैठा। महाराज सुबाहु, मैंने आपको अनेकों बार चेताने की चेष्टा की, परंतु आपने मेरी एक नहीं सुनी। महाराज सुबाहु, युद्ध कहां किसी के लिए लाभकारी होता है। युद्ध में विजय किसी की भी हो, खोना तो सभी को पड़ता है। मुझे आपकी चेतावनी पर ध्यान देना चाहिए था, परंतु दुर्भाग्यवश मैंने स्वयं को ऋषि असीतांग के श्राप का भागी बना दिया। उसका दंड तो मुझे भुगतना ही था। हे राम भक्त हनुमान, मुझे इस श्राप से मुक्ति दिलाने के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। महाराज सुबाहु, धन्यवाद कहने की कोई आवश्यकता नहीं है, बस आप हमें हमारा अश्व लौटा दीजिए। हे हनुमान, मैं प्रभु श्री राम की अधीनता स्वीकार करता हूँ। मेरा राज्य प्रभु श्री राम के राज्य का भाग बने, इससे अधिक गौरव की बात भला मेरे लिए क्या हो सकती है। जय श्री राम, जय श्री राम। उठिए महाराज सुबाहु, प्रभु श्री राम की अधीनता स्वीकार करना उनके समक्ष झुकना नहीं अपितु हृदय से उनका नाम जपना है। जय श्री राम। इसका अर्थ है हनुमान ने अश्वमुक्त करा लिया। मेरी ये चाल भी विफल हो गई। जब तक हनुमान युद्ध में पुष्कल एवं शत्रुघ्न के संरक्षक रूप में उनके साथ हैं, तब तक राम राज्य के आधार धर्म भक्ति सदाचार के विस्तार के प्रतीक
मेरे अश्वमेघ यज्ञ के अश्व को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। अब हमें आगे की यात्रा आरंभ करना चाहिए। बिना सोचे विचारे युद्ध नहीं करना चाहिए। यदि व्यक्ति समय रहते अपनी भूल स्वीकार कर युद्ध टाल दे तो किसी भी प्रकार की हानि से बच सकता है।